आपने सुना पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने वोट डाला। सिद्धू ने कहा कि पंजाब की जनता इस बार अगली पीढ़ी को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए वोट कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू अभी वोट डालकर के बाहर आ रहे हैं, अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के साथ पहुंचे थे वोटिंग के लिए और अभी वोट डालकर के दोनों सिद्धू दंपति जो है वो बाहर निकल रहे हैं। पंजाब का मुकाबला बेहद दिलचस्प है और अमृतसर ईस्ट जहां से नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उस पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया को जो है वो अपना उम्मीदवार बनाया है। सिद्धू साहब अभी बाहर आ रहे हैं, कोशिश करेंगे। एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडव, कौरव को सिस्टम बनाने वाले, वो माफिया को जन्म देने वाले जो निजी स्वार्थों से बंधा हुआ है, पंजाब को दीमक की तरह चाट रहा है और खोखला कर रहा है, और दूसरी तरफ वो बदलाव जो पंजाब में एक नए सिस्टम की रचना करना चाहता है। जिस तरह से नई सवेर आती है, नया सृजन होता है, और कभी कभी वर्षों बाद जब रेगिस्तान में बारिश होती है तो सौंधी खुशबू उठती है, तो ये बदलाव की सौंधी खुशबू है। एक सिस्टम, एक रोड मैप के साथ नीतिगत और योजनाबद्ध तरीके से बदलने का एक प्रयास है। अब लोग किस तरफ झुकते हैं, पंजाब के लोग बहुत सयाने हैं, वो किस तरफ झुकाव रखते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वक्त की अजब चाल है प्यारे, पल में प्यादों को वजीर बना दे और कभी जरा सी गलती पे शहजादों को फकीर बना दे। वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। आज ये माफिया, इसका पर्दाफाश हो चुका है, ये चौराहे के बीच में ठेकेदारी सिस्टम को जो गिरवी पंजाब को रखा हुआ है वो पर्दाफाश हो चुका है, और जो हमारा सिस्टम है वो किस तरह से निजी स्वार्थों में पंजाब का खजाना लूट रहा है वो भी बेनकाब हो चुका है। इसलिए लोगों के पास चयन है, ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है, अगली पीढ़ी के लिए इलेक्शन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।